Miss Rahim, Assalamualaikum. Let's continue with the lecture four of Object-Oriented Software Engineering, which is modeling complex systems. So, we were discussing how to manage different uh, software development activities. And in the previous lecture, we discussed about communication. Now, what is communication? We discussed that uh, there is a need of, ultimate need of communication, okay, so that uh, we can effectively transmit information, we can gather requirements between stakeholders. And then we just discussed the tools that can be used for communication, for monitoring communication, for organizing a meeting uh, or we can say organizing the documentation that is produced as a result of communication so next one is the rational management so basically rational management in rational management we basically discussed about discuss about the background me uh, i mean we need to discuss the background of every requirement we need to discuss the background of the software which we are going to dis, uh, develop plus uh, we just

यूनिवर्सिटी uh, का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है सो वी कैन से कि यूनिवर्सिटी मैनुअल सिस्टम इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ठीक है सो इंक्लूड्स द प्रॉब्लम दैट इट एड्रेसेस द ऑल्टरनेटिव दैट डिवेलपर्स कंसिडर्ड अब ऑल्टरनेटिव यानी बैकग्राउंड में ये सारी चीजें आ जाती हैं जब हम वो सिस्टम बनाने लगे तो डिवेलपर्स ने कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कंसिडर किए थे लेट्स से हम कहते हैं कि हमने मैक uh, ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी कि आई फोन पे कोई ऐप बनाने का सोचा था ठीक है इसी तरह से हम ये कह सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे दूसरा हम कह सकते हैं एंड्रॉइड का भी सोचा था और वेबसाइट ये तीनों ऑल्टरनेटिव हमारे माइंड में थे विच वी डिस्कस्ड अबाउट बिफोर डिवेलपिंग द सी ऑनलाइन सिस्टम सो द ऑल्टरनेटिव दैट डिवेलपर्स कंसिडर्ड द क्राइटेरिया दैट डिपर्स यूज टू इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव अब ये सारे ऑल्टरनेटिव तो हमारे माइंड में थे ठीक है फिर डेवलपर्स ने सोचा कि इनमें से कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए सो दे जस्ट रियलाइज द फैक्ट कि सारे स्टूडेंट्स के पास आईफोन भी नहीं है ठीक है सारे स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है इट मींस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लोग एक पॉइंट पे आ सके फॉर एग्जाम्पल अ वेबसाइट ठीक है वेबसाइट मीन्स कि वेबसाइट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म इट कैन रन ऑन मोबाइल फोन्स इट कैन रन ऑन Hmm, Windows 10 it can run off on Windows 7 plus it can run on uh, different uh, uh, laptops computers ठीक है so that's why we uh, chose um, to develop a website the debate developers went through to achieve consensus ठीक है अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो meetings थी developers ने जो meetings की थी let's say हम कहते हैं meeting minutes थे ठीक है तो वो meetings जो हमने conduct की थी um, इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है वो भी इसके अंदर आ सकता है टू अचीव एंड द डिसीजन ठीक है और वो फाइनली जो डिसीजन हमने लिया है वो डिसीजन कैसा था तो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी इम्पोर्टेंट वेन चेंजिंग सिस्टम आपको पता है जब भी कोई चेंज लाना होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस बैकग्राउंड की उसी वक्त आती है जब हमने कोई चेंज लाना होता है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वेट वी हैव टू चेंज द सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट में कॉन्फिग्रेशन बेसिकली मीन्स चेंज ठीक है तो जब हम चेंज ला रहे होते हैं तो हम कॉन्फिग्रेशन की बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो वी कैन सी कि जो डिफरेंट वर्जन होते हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आ, उन चेंजेस की बात हो रही है बिटवीन सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट सो सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चेंजेस को इन वर्क प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल से uh, के एक वर्जन फर्स्ट वर्जन था प्रोडक्ट का लेट uh, से मैं कहती हूँ लॉन्च की और उसका वर्जन था uh, ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ है लेट्स इस... से के 1.0 में आपने मेजर जो फीचर्स थी ऑनलाइन में ऐड किए थे आपका फोकस फिलहाल अटेंडेंस पे नहीं था जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो आपका मेजर फंक्शनैलिटी मीन्स की आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट ठीक है और प्लस दूसरा हमारी फंक्शनैलिटी ये थी कि मार्क्स भी स्टूडेंट देख सकते हैं अटेंडेंस अभी हमने ऑटोमेटेड नहीं की थी ठीक है 1.0 में ये था अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो 2.0 था उसमें हमने मेजर फीचर ऐड कर दिया है कि अब इसमें अटेंडेंस भी ऐड हो रही है ठीक है सो वी कैन से कि ये हमारा मेजर मॉड्यूल था तो हमने वन के बाद टू को लॉन्च कर दिया अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये वर्जन हमने लॉन्च किया हो लेकिन इसमें कोई इशू आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस ठीक से मार्क नहीं हो रही थी या मार्क हो रही थी लेकिन अटेंडेंस शीट डाउनलोड नहीं हो रही थी ठीक है या कोई एरर था जो हमने इस केस में रिजॉल्व किया है तो उस केस में क्या होगा वर्जन 2.1 लॉन्च करेंगे ठीक है विच इज अ इज बेसिकली माइनर चेंज ठीक है अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो टू पॉइंट वर्जन 2.1 के बाद लेट uh, से हमने ये कहा कि जो एरर करेक्शन थी वो हमने बेसिकली इस में की है यानी कि 2.1 पॉइंट वन में की है ठीक है तो ये हमारे डिफरेंट वर्जन हैं जो क्रिएट होते हैं तो अब हमने इसमें देखना है कि मॉनिटर करना है एक तो चेंज को कि कौन सा चेंज किस तरह से हो रहा है और फिर कंट्रोल्ड चेंज करना है ठीक है फिर उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इसके बाद 2.0 होगा 1.1 होगा ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट चेंज एज द क्लाइंट रिक्वेस्ट न्यू फीचर्स ठीक है जब क्लाइंट नई फीचर्स बताता है तो जाहिर सी बात है कि जो रिक्वायरमेंट्स पहले हमने लिखी हुई थी वो चेंज होंगी वो नए फीचर्स ऐड होंगे जो क्लाइंट ने बताए थे एंड एज डेवलपर्स इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन प्लस टाइम के साथ साथ क्या होता है टाइम के साथ साथ जो हमारी एप्लीकेशन डोमेन है उससे रिलेटेड चीजों की भी इम्प्रूवमेंट आती है जैसे डिवेलपर्स है शुरू में लेट से हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जा रहा है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ठीक है बेसिकली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डोमेन अब बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है आपको सिविल इंजीनियर के कुछ टूल्स का इतना बेसिक आइडिया नहीं होगा तो उस केस में आप क्या करोगे इट मीन्स कि आप डोमेन में जाके विजिट करेंगे ठीक है या आपको कोई सिविल इंजीनियर बताएगा कि ये काम इस तरह से होता है अब शुरू में हमें बेसिक्स पताऊंगी लेकिन इतना बेहतर आइडिया नहीं होगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ठीक है साथ साथ आपको बेहतर आइडिया होता जाता है कि ये काम किस तरह से हो रहा है। सो so, जितनी ज्यादा आप मीटिंग्स करेंगे विद विद डिफरेंट सॉफ्ट सिविल इंजीनियर में हमने काम करना जाके तो उतना ज्यादा बेहतर हमें अंदाजा हो जाएगा द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन विच द सिस्टम इज बिल्ट चेंजेस विद टेक्नोलॉजी सो सिस्टम चेंजेस आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड आर रिपेयर ठीक है इस तरह हम डिफरेंट स्टैरियो इनके साथ साथ हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ता है सो so, जब भी चेंज आएगा वी विल बी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट ठीक है फॉर चेंज मैनेजमेंट इसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जैसे गिटहब की भी हम बात कर सकते हैं इस केस में गिटहब भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अगर हम इसमें जाके कोड को अपने अपलोड कर दें तो क्या होगा डिफरेंट लोग जो एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं या एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं या एक कोड पे काम कर रहे हैं

सैम्पल खोला जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पर अपडेट फॉर 2019, थाउजेंड ठीक है फिर इसी तरह से एडेड मोर uh, वोसिटी टू तो द टेम्पलेट, तो इस तरह से हर चीज के बारे में सिक्स मंथ टाइम से इतने टाइम पहले इस पर्सन ने हम पर्सन भी हमें पता चल जाता है सो so, इस पर्सन ने इसको चेंज किया था ठीक है इतने टाइम पे चेंज किया था जैसे यहाँ पर इस का नाम लिखा है यूजर का कि ही एडेड मोर टू द टेम्पल ठीक है सो ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पॉइंट पे मिल जाती है इसमें आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं ठीक है जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करें सो दैट ऑल ऑफ द पर्सन जब भी वो चेंज करेंगे तो बाकी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसने आज में या कल में ये प्रोडक्ट को चेंज किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये भी एक स्टेप है लेकिन इट हैज नो आर्ट इफेक्ट ऑफ इट्स ओन इसका मतलब ये नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट होगा या कोई टूल हो कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंड में कोई रिजल्ट आएगा इसका ऐसा नहीं है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स को हम यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को अफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे यानी वही काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वी विल do that work effectively ठीक है we will carry out that work effectively अच्छे तरीके से हम कर सकेंगे अगर हम proper project management की approach को या technologies को use करते हैं techniques को use करते हैं तो हम वही काम जो पहले से कर रहे हैं वो हम effectively कर लेंगे so it includes the oversight activities that ensure the delivery of a high quality system on time and within budget ठीक है सो so बेसिकली हमारा पर्पस ये है बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारी एक्टिविटीज जो इंश्योर करें कि हाई क्वालिटी सिस्टम डेवलप होगा टाइम पे और बजट के अंदर मीन जो क्वालिटी हम देना चाह रहे हैं कस्टमर को हम वो क्वालिटी डिजाइड दे देंगे दे टाइम दे, में भी दे देंगे दे, दे दे, बजट में दे देंगे सो दैट इज एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग निगोसिएशन विद द क्लाइंट ठीक है हायरिंग डिवेलपर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग वेम इन टू टीम्स मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है इसी तरह से इसपे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व है कि कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व है बजटिंग इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट की ठीक है यानी कितना बजट होगा कितनी कौन सा मॉड्यूल कितने बजट में बनेंगे ओवरऑल सबसे ज्यादा पूरे प्रोजेक्ट का कितना बजट होगा इसके अलावा प्लानिंग करनी है ठीक है प्लानिंग मींस कि हमने रिक्वायरमेंट जो जितना प्रोजेक्ट है उसका टाइम कितना होना चाहिए ठीक है कौन सा मॉड्यूल कितने टाइम में बन जाना चाहिए किस कितने स्टाफ को हमने हायर करना है ठीक है कौन कौन से लोग हैं कौन कौन से टूल्स हैं जो हमने लेने सो ड्यूरिंग निगोसिएशन क्लाइंट फिर इसी तरह से हायरिंग डिवेलपर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम्स ठीक है अब हमें बताना, बताना है कि लेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फोर डिवेलपर्स रिक्वायर्ड हैं ठीक है फोर डिवेलपर्स रिक्वायर्ड हैं उनमें से एक चारों एक चार टीम्स बनेंगी एक टीम में एक डिवेलपर होगा मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर कि उसने किस तरह से काम को मैनेज करना है डिपेंडिंग अपॉन द कम्पलेक्सिटी ऑफ टास्क हो सकता है एक टास्क ज्यादा कम्प्लेक्स हो तो डिवेलपर तीन डेवलपर्स या दो डेवलपर्स एक टीम में ऐड हो जाए ठीक है बाकी रिक्वायरमेंट इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर ऐड हो जाए सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कम्पलेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम इसी तरह से मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक है इसी तरह से अब मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक टूल मैं आपको भी शो भी कराऊंगी इनकी स्क्रीन सो दैट ऑनलाइन सिस्टम का हमें फायदा हो जाए अगर हम इस तरह की चीजें भी साथ साथ देख लें स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए दो चीजें हैं एक तो गेंट चार्ट है ठीक है जो पहले से हमें बताता है कि इस वक्त प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए जो बेसिकली यूज होता है मेजर फोकस इसका ये होता है कि हम इसके थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं दूसरा बर्न डाउन चार्ट बर्न डाउन चार्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है ये हमें प्रोजेक्ट का स्टेटस बता रहा होता है अच्छा स्टेटस के लिए और भी टूल्स होते हैं टूल्स भी होते हैं मीटिंग्स भी होती है फॉर एग्जांपल एजाइल में हमने पढ़ा था कि डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है जिसका फोकस ये होता है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स की एक डेली मीटिंग होती है जिसका फोकस ये होता है कि हम ये देखेंगे कि कितना काम हम कर चुके हैं कितना काम पेंडिंग है वो सारा हमें पता चलता है अब गेंट चार्ट लेट मी शो यू गेंट सो दैट so आपको आइडिया हो कि हम प्लानिंग किस तरह से इसमें करते हैं जैसे ये एक गेंट चार्ट है ठीक इस में है इसमें मेंशन किया हुआ कि प्लानिंग का स्टेप रिसर्च डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड इंप्लिमेंट फॉलोअप जितने टास्क है जो हमने परफॉर्म करने हैं उन टास्क में से जनवरी और फेबर मार्च मींस इतनी डेट्स के अंदर ये स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का कि हमने ये करना है फिर इसी तरह से अगला टास्क करना है फिर उससे अगला टास्क करना है यानी हर टास्क के साथ मेंशन होता है हम टाइम मेंशन करते हैं और अगर कुछ रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं तो हम वो रिसोर्सेज भी मैंशन कर रहे होते हैं जिस तरह से ये है कि रिव्यू का ये टाइम होगा ठीक है फिर सर्कुलेट करने के लिए इतना टाइम रखा है हमने फिर साइन ऑफ करने के लिए इतना टाइम रखा है तो इस तरह हर पर्टिकुलर टास्क का टाइम हमने डिवाइड किया होता है इसी तरह से ये बर्न डाउन चार्ट है इसमें हमने कंप्लीटेड टास्क और रिमेनिंग टास्क को रोज डेली बेसिस पे इसको मैयर करना होता है जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ग्रीन कलर में जो लाइन है दैट इज एक्चुअली आइडियल लाइन ठीक है आइडियल टाइम लाइन की हम रोज अगर इक्वल काम करेंगे तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा बाकी कुछ रिमेनिंग एफर्ट रिमेनिंग टास्क वो हम अलग से डिफाइन कर रहे होते हैं सो so बेसिकली ये हमारा बर्न डाउन चार्ट है और ये भी इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम विद इनपुट्स आउटपुट्स एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ठीक है इसी तरह से सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर हमने सो so कुछ इनपुट्स होंगी सिस्टम में जिसे हम कह सकते हैं ट्रिगर हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आउटपुट्स जो हमारा सिस्टम होगा एक्टिविटीज वो सारी एस डी एल सी एक्टिविटीज ठीक है लाइफ साइकिल एक्टिविटीज जैसे डेवलपमेंट है डिजाइन है जिनको मिला के हम सिस्टम डिवेलप करते हैं इन रिसोर्सेस रिसोर्सेज मीन टाइम और बजट जो हमें प्रोवाइडेड है या टूल्स जो प्रोवाइडेड हैं टू कम्प्लीट सिस्टम, सेम मॉडलिंग टेक्निक्स अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर आर्टिफेक्ट फॉर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस इसी तरह से कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स जो कि हम मॉडलिंग uh, के लिए यूज करते हैं वी कैन से ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम मॉडलिंग करते हैं लाइक यूएमएल मॉडलिंग के लिए स्टार यूएमएल यूज हो सकता है विजियो यूज हो सकता है तो ये सारे टूल्स अ जनरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ठीक है सो so बेसिकली ये पूरा मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एस डी एल सी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं सो दैट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर हम चैप्टर फोर से स्टार्ट करेंगे Which is requirements elicitation. So, uh, till then, Allah Hafiz.